ये एक इंतहाई अहम मौजू है। मैं जानता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुनने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन अब चूंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है तो मैं चाहता हूँ कि चंद बातें इस हवाले से आपकी गोश गुजार करके फिर इंशाल्लाह इश्क़ मोहब्बत की भी बातें आपकी बारगाह में पेश की जाएंगी। चूँकि अहम मसला है ह्यूमन टेम्परमेंट्स में, इमाम मालिक रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की दो पैदाइशें हैं। एवरी ह्यूमन हैज़ टू बर्थडेज, टू बर्थ्स। वन बर्थ इज़ द वन द डे ही वॉज बोर्न एंड द सेकेंड बर्थ of every human is the day when he discovers his talent. jis din insaan ko is baat ka ilm ho jata hai ki allah ne mujhe banaya kya hai, meri khudadat salahiyatein kya hain. bhai ek bande ko allah ne engineer banaya aur sari zindagi koshish karta hai doctor banne ki, ek bande ko allah ne taxi driver banaya hai aur wo businessman banne ki koshish kar raha hai, ek bande ko allah jalla wala ne businessman banaya hai aur walidain keh rahe hain tum medical doctor ban, wo sari zindagi koshish karta hai kamyab nahi hota. kyun? kyunki usne apne talent ko abhi tak discover hi nahi kiya. इमाम मालिक के इरशाद फरमाते हैं कि जिस दिन तूने अपने टैलेंट को डिस्कवर कर लिया, समझ ले तेरी हकीकी पैदाइश हो गई. अब हमें यहाँ कितने लोग बैठे इसे पता ही नहीं है भाई. अब अहमद रज़ा जमाती साहब की तरह अगर मैं नाथान बनने की कोशिश करता, सारी ज़िंदगी गरारे करता रहता, अपना गला साफ करता रहता, तो मैं ना बन पाता. हम अपने बच्चों के टेम्परमेंट्स को नहीं जानते, हमें नहीं पता कि कौन सैंग्विन है, कौन खलेरिक है, कौन फ्लेगमेटिक है, कौन मेलनकॉलिक है. अब सैंग्विन खलेरिक एक जज्बाती किस्म का बंदा है, यानी एक बहुत पैशनेट इंसान, एक बहुत सख्त मिजाज इंसान. अब इसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, खलेरिक में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, वो लीडर होता है लेकिन उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा नहीं होता, बड़ा गुस्सीला इंसान होता है, बड़ा जज्बाती इंसान होता है. लेकिन उसके अंदर एक सलाहियत होती है कि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता है, वो गोल ओरिएंटेड होता है और वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है, इनबॉर्न लीडर होता है. लेकिन वो हसास इंसान नहीं होता, जज्बाती इंसान नहीं होता. उससे अगर आप कहें ना कि मुझे तुमसे प्यार है तो वो शायद जवाब भी ना दे, क्योंकि वो मोहब्बत की बोली जानते ही नहीं है. और सैंग्विन है, सैंग्विन बड़ा चीयरफुल बंदा होता है, हाँ, बड़ा ठोकटिव विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एक बबली काइंड ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, द लाइफ ऑफ द पार्टी, हु ब्रिंग्स लाइफ एंड एनर्जी इन द रूम, जो लोगों को खुश करता है. उससे आप मिलें तो फौरन आप खुश हो जाएंगे, वो मुस्कुराता रहता है. अच्छा, उसकी मोहब्बत भी आर्जी होती है, उसकी दुश्मनी भी आर्जी होती है, हाँ, उसकी दोस्ती भी आर्जी होती है, दुश्मनी भी आर्जी होती है. बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं, बहुत जल्द नाराज़ हो जाता है, और फिर नाराज़गी भी उसकी आर्जी होती है, वो भूल जाता है. हमने अपने आप से पूछना है हम कौन हैं भाई, हम खलेरिक हैं, हम सैंग्विन हैं, हम मेलनकॉलिक हैं, हम फ्लेगमेटिक हैं. अब फ्लेगमेटिक कौन है? ये एक लो की पर्सनैलिटी होती है, लेकिन होता बड़ा साबिर है, बहुत सब्र वाला होता है, बहुत पेशेंट इंसान होता है, लेकिन अपने जज्बात को अपने अंदर छुपाए रखता है, वो अपने जज्बात का इजहार नहीं करता. बड़ा ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर उसका होता है फ्लेगमेटिक का, लेकिन बावफा होता है, कभी किसी को धोखा नहीं देता. इसी तरह मेलनकॉलिक है, मेलनकॉलिक पर्सनालिटी, ये वो पर्सनालिटी है जो बड़ा जीनियस होता है, नेचुरली टैलेंटेड होता है, यानी बड़ा क्रिएटिव इंसान होता है, लेकिन वो दोस्तों के हवाले से बड़ा हसास होता है, बड़े मेटिकुलसली अपने दोस्तों को सिलेक्ट करता है, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं होते. दुनिया के अक्सर जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ये मेलनकॉलिक होते हैं, और बड़े जो इल्मी हवाले से, तहकीकी हवाले से गौर व फिक्र करने वाले, ये ज़्यादा ऑरेटरी स्किल्स के माहिर नहीं होते, ये खतीब नहीं होते, और ये बैकग्राउंड में काम करने वाले होते हैं, चुप कर काम करने वाले होते हैं. और इनके यहाँ ये इंट्रैक्शन, लोगों से बातें करना, लोगों को खुश रखना, ये क्वालिटी इनमें नहीं होती, होते बड़े जीनियस होते हैं. तो ये मुख्तलिफ टैलेंट्स हैं, मुख्तलिफ टेम्परमेंट्स हैं. अब आपका बच्चा, अगर मिसाल के तौर पर आपका बच्चा खलेरिक है और वो कमरे में बैठा हुआ है और वो कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है, और आप चाहते हैं, वालिद को अपने बच्चे के टेम्परमेंट का पता ही नहीं है और वालिद चाहता है कि ये बच्चा कंप्यूटर गेम्स को छोड़े, होमवर्क करे. अब वो उसे बताता है कि तेरे होमवर्क की कितनी अहमियत है, होमवर्क पर मेहनत कर, स्कूल में मेहनत कर, तालीम में मेहनत कर, लेकिन वो चूंकि गोल ओरिएंटेड होता है, वो गेम खेल रहा है, किसी से मुकाबला कर रहा है और वो जीतना चाहता है. अब वो क्लेरिक है, अब उसको उस वक्त अकली और मंतकी दलायल उसको कायल करने के लिए काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है. क्लेरिक क्या एक्सेप्ट करता है? चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है. आप उसको चैलेंज करेंगे ना तो वो फौरन कबूल कर लेगा. चैलेंजेस कैसे? खलेरिक मिजाज, अगर आपने अपने बच्चे के मिजाज को समझ लिया कि ये खलेरिक मिजाज है, आपको उससे इतना ही कहना होगा कि देख, तू निकम्मा है, तेरे दोस्त उससे ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तू तो एग्जाम्स में कामयाबी नहीं हो सकता. अब चूंकि वो चैलेंजेस पसंद करता है, वो कहेगा नहीं, ये कैसे हो सकता है, तुमने मुझे चैलेंज किया है. खलेरिक मिजाज का ये तुर्रा इम्तियाज है, ये खसूसियत है, ये स्पेशलिटी है. वो बच्चा फौरन कहेगा, माँ तू मुझे कहती है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, अब मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा. वो कंप्यूटर गेम को, वो टीवी को, वो मूवी को छोड़ के फौरन अपने होमवर्क पर लग पड़ेगा. लेकिन अगर वालदैन खलेरिक वाली अप्रोच फ्लेगमेटिक के लिए इस्तेमाल करें तो वो फ्लेगमेटिक एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, वो शायद डिप्रेशन की कैफियत में चला जाए, शायद एंग्जाइटी की कैफियत में चला जाए. भाई मेरे बाप ने कहा कि तू निकम्मा है तो मैं निकम्मा हूँ,
मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अगर क्लेरिक की अप्रोच आप फ्लेगमेटिक पर इस्तेमाल करेंगे तो फ्लेगमेटिक क्या होगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। वो कहेगा मेरे वालिद साहब ने कहा है मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वही अप्रोच अगर आप क्लेरिक पर इस्तेमाल करें तो क्लेरिक फौरन उसकी हौसला अफजाई होगी, वो कहेगा मैं कर सकता हूँ, मैं साबित करूंगा। लेकिन वो अप्रोच आप फ्लेगमेटिक पर इस्तेमाल करें तो वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, उसके नफ्सियात पर असर पड़ेगा। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, वालदैन कहते हैं हमारे सारे बच्चे, मेरे 4 बच्चे, मैंने सबकी तरबियत एक जैसी की, लेकिन ये निकम्मा निकला। भाई आपने तो सबके लिए डंडा इस्तेमाल किया है ना, आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में लोगों के टेम्परमेंट्स, अपने बच्चों के टेम्परमेंट्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। यानी जिसके साथ आपने क्लेरिक की अप्रोच रखनी उसके साथ फ्लेगमेटिक वाली थी, तो उसका मनफी असर पड़ा। और ये सिर्फ चीज़ें सिर्फ हमारे बच्चों में नहीं है, पेरेंट्स जब सबको एक ही तरह ट्रीट करते हैं, उनके नेचर को नहीं देखते और कहते हैं कि मैंने एफर्ट तो किया लेकिन रिजल्ट्स इसके मनफी निकले, इसका उल्टा रिजल्ट क्यों निकला, इसकी वजह यह है क्योंकि हमने अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं की। और यही मामला हमारे उलमा में भी हैं, हमारे शयूख में भी हैं, हमारे स्कॉलर्स में भी हैं, यही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में भी हैं। यानी टेम्परमेंट्स ना जानने की वजह से लोगों में मुसालहत हम कर ही नहीं पाते। हम डंडा इस्तेमाल करते हैं, किसी में ज़रा सा इन्हराफ देखा, हम एक ही डंडा सब पर इस्तेमाल करते हैं। अब कहीं कहीं तो चल जाता है लेकिन कहीं नहीं चलेगा। इसमें ऐसे संजीदा लोगों की ज़रूरत होती है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इन उसूलों को अप्लाई करते हैं। अब देखें, आप हर जगह डंडा इस्तेमाल करेंगे, हर एक पर गुस्सा करेंगे, कहीं काम आ जाएगा अगर वो भी आगे से कोई बदमाश निकला। अब हर तरफ हर एक को एक तरीके से हमने ट्रीट नहीं करना। वो कहते हैं ना कि हर मोरी विच अंगल देना ए नहीं कम चंगेरा, मत अगे कोई बैठा होवे बाशक नाग वटेरा। अब पता नहीं आपको मैं ये बातें समझ आ रही है कि नहीं। वो आगे जो बैठा हुआ है वो भी शायद क्लेरिक हो, हाँ, पर मूर्ख नू के पंद नसीहत, पत्थर नू की पाला, दूध अंदर काग नुहा ये अंत काले दा काला। दूध के अंदर कवे को नहलाने की कोशिश करें इस नीयत से कि उसका रंग बदल जाएगा तो उसका रंग तो नहीं बदलेगा भाई, जो उसका टेम्परमेंट है वो वही रहेगा। दूध में डालें कि वो सफ़ेद हो जाएगा, वो सफ़ेद नहीं होगा। तो इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से जो मैंने पहले तमहीद बांधी थी, चूंकि ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो गई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में चंद अहम बातें आपके गोश गुजार करूं। और टेम्परमेंट्स का चूंकि एक पूरा सब्जेक्ट है, अगर इस पर मैं बात करता रहा, ये साइंस पढ़ाता रहा, तो फिर बहुत वक्त दरकार है। और हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात करनी है। मिसालें हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की देखते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस की रोशनी में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सहाबा से किस तरह पेश आते थे, यानी मोटिवेट कैसे करते थे, उन्हें खुशियाँ कैसे देते थे।